गुड आफ्टरनून। हम फिर से हैं अपनी जर्नी पर। 75 जजमेंट्स, लीडिंग जजमेंट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की भी डेवलपमेंट हुई और हमने ये भी देखा कि अमेंडमेंट आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 ऑफ पार्ट 3 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका किस ढंग से कॉन्फ्लिक्ट होता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरप्रिटेशन होती है, या अमेंडमेंट क्या लॉ की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्या हम उसे आर्टिकल 13 के लेंस से देख सकते हैं, क्या फंडामेंटल राइट अगर अब्रिज किया जा रहा है, अगर वायलेट किया जा रहा है बाय एनी लेजिस्लेशन पास्ड टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हम यहाँ पर एक बार फिर से ये बता दें कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो राइट कन्फर्ड टू द सिटीजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने प्रीएम्बल में देखा था कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है टू एंश्योर इट्स सिटीजन्स टू प्रोवाइड लिबर्टी, जस्टिस एंड इक्वलिटी, और ये तीनों चीजों को करने के लिए पार्ट 3 बनाया गया है। और जस्टिस के लिए भी, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए थे। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट को, जो वो कोई भी पॉलिसी बनाते समय, कोई भी लॉ बनाते हुए ख्याल रखेगा कि गवर्नमेंट कैसे गवर्न करना, स्टेट को कैसे गवर्न करना है, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, वो इसके सिटीजन्स के लिए क्या क्या लाएगी, क्या क्या पॉलिसी लाएगी, क्या क्या लॉ लाएगी। तो वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए हैं कि गवर्नमेंट को कैसे सरकार चलानी है, इसके सिटीजन्स के फायदे। कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने के लिए अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो फंडामेंटल राइट को अब्रिज करना वायलेट कर रहा है, तब किसको प्रायोरिटी मिलेगी और कैसे ध्यान रखेगा, कैसे ये रखा जाएगा कि क्या हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने वाले लॉ को ओके करें या फंडामेंटल राइट्स अगर अब्रिज हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट। राइट, वैसे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए गए, क्योंकि प्रीएम्बल में लिखा है टू एंश्योर इट्स सिटीजंस लिबर्टी, जस्टिस एंड इक्विटी। राइट, तो फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का रिलेशन ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भी लॉ बने, जो भी पॉलिसी बने गवर्नमेंट की, वो इस बात का ख्याल रखा जाए कि फंडामेंटल राइट टच नहीं। अब हमारे सामने क्वेश्चन उठा था जब हमने पिछली जजमेंट सारे देखी थी, क्या अमेंडमेंट को हम लॉ मान सकते हैं, अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, क्या हम अमेंडमेंट को ऑर्डिनरी लॉ की तरह ट्रीट करें। अगर अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को अब्रिज करना है तो क्या उसको भी स्ट्रक डाउन करना है। गवर्नमेंट की कंटेंशन क्या थी कि अमेंडिंग पावर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर से, गवर्नमेंट के पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉ बनाने की पावर से बिल्कुल अलग है। तो हमने देखा था जब हमने पिछला लेक्चर किया था कि जो हमारा पहला केस था शंकरी प्रसाद, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट क्वेश्चन हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि अमेंडमेंट लॉ नहीं हुआ, आर्टिकल 13 की लेंस में नहीं आ रहा है। तो लॉ अगर आर्टिकल 13 यानी कि फंडामेंटल राइट को अब्रिज करेगा तो पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट को अब्रिज करेगा तो पॉइंट क्लियर नहीं किया जा सकता। क्लियर। उसके बाद हम आए थे केशवानंद भारती पर, जिसमें 24th एंड 25th अमेंडमेंट को क्वेश्चन किया। 24th और 25th अमेंडमेंट में क्या किया था इन्होंने, आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर दिया था
और आर्टिकल 31 यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, उसके सामने 31 ए बी सी ऐड हुए थे, सी इंसर्ट किया था 31 सी, और वो क्वेश्चन हुआ था। आर्टिकल 31 क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट। मैंने आपको बताया था कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमारे सिटीजन्स को एंश्योर कर रहे हैं, राइट। ये हमारा प्रीएम्बल का पार्ट है। अब सोशल जस्टिस करने के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 39 बी एंड सी दे रखा है, आर्टिकल 39 बी एंड सी। आर्टिकल 39 बी एंड सी क्या कहता है कि सारी की सारी वेल्थ और सारे के सारे एसेट्स कुछ लोगों के हाथ में कंसेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को मिलना चाहिए, राइट। तो हमने देखा डिफरेंस क्या था, कुछ लोग आजादी के वक्त ऐसे थे, जमींदार्स, इमाम्स वगैरह, और जो जागीरदार्स थे और बहुत बड़े बड़े जमीन वाले लोग थे, उनको इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, यानी देवर हैविंग दी प्रॉपर्टीज, और उसके अगेंस्ट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं, जो उनके यहाँ पट्टे पर। मैंने पंजाब टेनरी एक्ट का आपको जिक्र किया। तो क्वेश्चन इस बात का था कि हैव और हैव नॉट्स, तो एक सोसाइटी बनी हुई है, एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें हैव्स है, खूब सारी प्रॉपर्टी है, और एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर्टी है ना एसेट्स, राइट। अब हमारे पास फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 30, वो ये कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन है, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट। अब इन्होंने क्या किया कि जस्टिस सोशल और इकोनॉमिक करने के लिए, पॉलिटिकल जस्टिस तो हुआ, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस करने के लिए इन्होंने क्या किया, जमींदारी अबोलिशन एक्ट लाया, पंजाब टेनरी लॉ एक्ट लाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया, और लैंड रिफॉर्म्स, राइट। लैंड एक्विजिशन में यह था कि किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करो और किसी को डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप लोगों को याद होगा तो 20-point प्रोग्राम था इंदिरा जी का, उसमें क्या किया गया था, जमींदार को अबोलिश कर दिया जमींदारी अबोलिशन से, और उनकी प्रॉपर्टीज को गरीबों में, लैंडलेस लोगों को थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर। अब एक तरफ तो हुआ उन जमींदारों का जमींदारी राइट ऑन दी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31, दूसरी तरफ हुआ आर्टिकल 39 बी एंड सी, जिसमें ये लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कि क्या हम कंसंट्रेट कर सकते हैं पूरी की पूरी वेल्थ और पूरे के पूरे एसेट्स को एक हाथ में, कुछ हाथों में, और गवर्नमेंट ने उसको इफेक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसी को सोशलिस्ट पॉलिसी बनाते हुए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देते हुए ये वाले एक्ट पास किए। दीज एक्ट्स बट केम इन टू चैलेंज बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि ये सही है या नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 13 में ओवर वायलेटिंग थी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कौन सा था, आर्टिकल 13, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो आज हमने पिछले लेक्चर में उन 5 केसेस को लिया था जिनमें शंकरी प्रसाद, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स वगैरह थे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राइट, जिनमें हमने ये बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट के बीच में जब झगड़ा है, वो एक दूसरे के सामने आके खड़े जाते हैं, वर्सेज हो जाते हैं, तो क्या अप्रोच रही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। और ये वो जजमेंट्स थी जिनमें 5 जजेज बेंच, 7 जजेज बेंच, 9 जजेज बेंच और केशवानंद ने 13 जजेज बेंच बैठे। जब बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन, ओके। अब हम जाएंगे, आज जो हमने लिया है वो जजमेंट्स है चंपाकल दौरिया राजन, दौराई राजन, केशवानंद भारती, उन्हीं कृष्णन, जेपी वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मिर्जापुर, मोती कुरैशी कसाब,
एंड बामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद है एस आर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड थ्री जजेज केस जो एस पी गुप्ता एंड और इंडिया जजेज एसोसिएशन केसेस से कनेक्टेड है, स्टिल कंटिन्यू है राइट। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो जजमेंट है ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए, और इसमें जो डिस्कस किया गया है कॉलेजियम सिस्टम, राइट। इसमें एस आर बोमई में जो था वो इमरजेंसी प्रोमोकुलेशन अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, इमरजेंसी जो डिक्लेयर होती है, आपको ये पता ही है कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर एक्सेप्ट आर्टिकल 15, याद रखिए इस पर क्वेश्चन आता है, आईएएस में भी आता है और जुडिशरी में भी आता है। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होता, आर्टिकल 21 क्या कहता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसमें कंटेन नहीं होती, लिमिट हो जाती राइट, लेकिन बाकी सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, और प्रोमोलगेशन ऑफ इमरजेंसी, क्या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब मर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, और इमरजेंसी डिक्लेरेशन क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन इसके सामने आया। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट, पार्ट फोर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्या क्या चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाई जा सकती है, चैलेंज ली जा सकती है, और क्या क्या नहीं ले जा सकती राइट। तो जुडिशियल रिव्यू, अगर ऐसा अमेंडमेंट पास हो जाए किसी भी चीज के लिए कि इस चीज को आप कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर भी बाहर निकल गई, तो कहाँ क्वेश्चन होगा, कहाँ चैलेंज होगा, तो ये चीजें हमारे सामने। तो यहाँ हमने इस वाले केस में ले रखा है इमरजेंसी, यहां जो है यहां क्वेश्चन हुआ है आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B राइट। आर्टिकल 31A क्या कहता है, कोई भी लॉ जो किसी की स्टेट या प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है वो आर्टिकल 13 के परव्यू से बाहर आ गए, वो आर्टिकल 13 के परव्यू से बाहर, यानी कि उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते ठीक। अब फिर से याद करिए पार्ट थ्री का आर्टिकल 13 एक लेंस है जो हर एक लॉ को चेक करेगा कि फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर वो अब्रिज कर रहा है तो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 13। अब इन्होंने क्या किया कि 31A एक ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जिसमें ये कहा कि आर्टिकल 31A यानी कि कोई भी लॉ चाहे वो पार्लियामेंट पास करे ठीक है, यहां से आई है, यहां से लॉ कौन बनाता है, लॉ कहां से आता है, या तो पार्लियामेंट बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, तो ये इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट बनाए या स्टेट बनाए, कोई भी लॉ जो बनेगा जो स्टेट से रिलेटेड होगा या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ठीक है, वो 13 पे चेक नहीं होगा, आर्टिकल 13 के परव्यू से बाहर होगा, यानी कि उसको लेंस नहीं चेक करेगा वॉइड है कि नहीं ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी तो खत्म। अब इन्होंने आर्टिकल ये 31B बनाया, 31B में इन्होंने क्या किया, 31B में इन्होंने कहा कि कोई भी 31 को इफेक्ट दे चाहे कोई लॉ
प्रतिबल ए में आता हूं या नाइन्थ शेड्यूल में आता है, कुछ लॉ नाइन्थ शेड्यूल में है, ठीक है, इनमें से किसी को भी टच नहीं करोगे। इनको क्या किया, जुडिशियल परव्यू से बाहर निकाला, जुडिशियल रिव्यू में नहीं आया। 31 ने क्या किया था, कोई भी लॉ जो स्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो 13 के लेंस में नहीं आएगा। 31 बी ने क्या किया कि ये कोई भी लॉ जो 31 ए का है या 9th शेड्यूल में है वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, मतलब चैलेंज ही नहीं होगा। चैलेंज ही नहीं होगा तो 13 देखेगा या 14 देखेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। और 31 सी क्या करेगा, 31 सी क्या करेगा, 31 सी 25th अमेंडमेंट से आया और इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने 31 सी में कहा कि कोई भी लॉ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट करे, एनी लॉ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी पार्ट फोर के 39 बी एंड सी वो अफेक्ट करेगा, उसके इफेक्ट को देने के लिए होगा, राइट, उसको भी आप चैलेंज करेंगे। वो लॉ आर्टिकल 13 में नहीं आएगा, आर्टिकल 13 उसके ऊपर, ठीक है, और इसको जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर दिया, ठीक। अब आप देखिए ये चीज बहुत समझने की है, एक तरफ लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी, लैंड एक्विजिशन एक्ट तो जमींदारी अबोलिश में था कि जमींदारी बंद हो जाएगी, उनकी जमीनें हम लैंडलेस को देंगे, जो सर है या जिनको दीवान्स हैं, जिन जिनको जो जो उपाधि दी हुई है, जिसके अगेंस्ट में जमीनें दे रखी हुई, जब स्थाई बंदोबस्त रहता था अंग्रेजों के, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पूरे गांव में से एक ऐसे प्रधान टाइप के लोग को जो थोड़ा दबाव है उसको जमींदार लिखे रखे, और उसे ये कहा कि कोई नहीं हम तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे, तुम हमारे लिए रेवेन्यू कलेक्ट करो सबसे, और जो रेवेन्यू देगा उसकी जमीनें ले लो और तुम दो। तो इस तरह से जमींदार से जमींदार हो गए, सबकी जमीनें लेते गए जिन्होंने रेवेन्यू नहीं दिया, और उनकी जमीनें हो गई और रेवेन्यू को देने, जमींदारी वॉच क्रिएटेड लाइफ। स्थाई बंदोबस्त का मतलब है कि अंग्रेजों को इंग्लिश पीपल को अपने आप अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो वहां का ही बंदा है गांव का वही लड़ेगा अपने लोगों से, ताकि कोई ये ना कह सके कि इंग्लिश पीपल आर डूइंग एक्सप्लॉयटेशन फॉर देयर पीपल। तो इन्होंने क्या किया, इसी तरह से जो सिटी अर्बन एरिया था वहां पे सर क्रिएट कर दिया कि हम तुम्हें सर की उपाधि देते हैं, अब जो भी काम होगा जो भी कुछ होगा तुम्हारे रिकमेंडेशन से ही होगा, यानी कि पहले लोग उनके सर के पास जाएंगे, देवर जनरली एडवोकेट्स ऑफ दी एडवोकेट्स या बैरिस्टर्स ऑफ दी इंग्लिश पीपल, या नवाब्स जिनको उन्होंने अपने कब्जे में किया, इस तरह के लोगों को उन्होंने सर की SIR, किसी भी किसी को भी जाना है इंग्लिश पीपल के पास कोई भी रिमांड करने के लिए कोई ग्रांट लेने के लिए, तो उसे पहले पास रिकमेंडेशन मिली, तो दे बिकेम सर, सर का जो SIR है वहां से आया, यानी यू विल अप्रूव इट एंड दे विल डू इट आफ्टर दैट। बाद में ये जो सर्स थे वो सिविल सर्वेंट्स में थे, IAS ऑफिसर्स, जिनका पेपर पास होता था इंग्लिश इंग्लैंड में जाने सिविल सर्वेंट्स, तो मतलब वो रिप्लेस कर दिए गए IAS से। इसी तरह से उन्होंने मुआफीज क्रिएट की मुस्लिम एरिया में, उनको मुआफी दी, बाकी सब उनके थ्रू जाएंगे, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं। अब एक तरफ आता है वो लोग, वो क्लास जो क्रिएट की गई जमीनों पर विद हैव्स, और एक तरफ वो क्लास थी जो लैंडलेस हो गई थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस देना था, तो हमें आर्थिक व्यवस्था ऐसी करनी थी जिसमें सब लोगों को बराबर से रिसोर्सेज मिले। तो 39 BSD जो है वो ये कहता है कि कंसंट्रेट नहीं होने चाहिए धन कुछ हाथों में, सबको उसका फल मिले,
जब भी इन्होंने ये इस तरह का कोई एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने पॉलिसी को करने के लिए, तो क्वेश्चन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल, तो झगड़ा कहाँ से आया? झगड़ा आया फंडामेंटल राइट पार्ट 3 और पार्ट 4 का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये राइट्स है और ये डायरेक्टिव्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट को कहते हैं ऐसी डायरेक्शन आपको फॉलो करनी है कानून बनाते से पॉलिसी बनाने के लिए। ये क्या है? इन्फोर्सेबल, क्योंकि आर्टिकल 32 इनके साथ दे रखा है कि बाय वे ऑफ रिट आप इन्फोर्स कर सकते हो। ये इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल है, तो ये इनका डिफरेंस है। इसको ये जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल है मतलब अगर कोई लॉ वायलेट करता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। जो नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है, अगर मान लो इन्होंने किसी डायरेक्टिव को फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो आप कोर्ट में नहीं गए। अगर फंडामेंटल राइट किसी ने ब्रीच कर दिया तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ये नॉन जस्टिसिएबल, ये इनका डिफरेंस। कभी भी डिफरेंस आएगा फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होता है, तो ये। अब हम देखते हैं इनका रिलेशन। अब क्वेश्चन आ गया हमारा सोशल जस्टिस, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये करने के लिए आर्टिकल 13 खड़ा हुआ है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वो इन्फोर्स करते हैं और कोई ऐसा लॉ बनाते हैं तो वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर देगा, तो आर्टिकल 13 उसे खत्म कर देंगे, वॉइड कर देंगे, राइट। आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि फंडामेंटल राइट था, और आर्टिकल 39 डीएनसी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो कहता है कि एक एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए मेरा, या ये करने के लिए या तो आर्टिकल 13 को अमेंड किया जाए उसके लेंथ से बाहर निकालो, या फिर कोर्ट को ही लेंथ से बाहर निकाल दो, यही एक तरीका था। तो उन्होंने क्या किया, ये करने के लिए उन्हें अमेंडमेंट करना है। अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 में हुआ झगड़ा। एक तरफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर जो लॉ लेजिस्लेट करती है, एक तरफ वही पार्लियामेंट जिसको कंस्टिट्यूएंट पावर दे रखी है अमेंड भी करने की, ठीक, तो वो अपनी पॉलिसी कह रही है हम तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें तो यहां से पावर मिली है। एक तरफ सिटीजन है उन्हीं के लिए लॉ बन रहा है, वो कहते हैं हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे इसलिए है कि वहां से ही हमारे को सोर्स मिल रहा है, हम तुम्हीं लोगों के भले के लिए तो कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, प्रीएम्बल में हमारे को फंडामेंटल राइट्स की लिबर्टी है एक्सरसाइज करना थ्रू आवर प्रॉपर्टी। तो ये झगड़ा यहाँ पर है और इसी के सामने आ गया जुडिशियल रिव्यू। अब इन्होंने अमेंडमेंट क्या किया, आर्टिकल 31 लाए, क्योंकि आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, सारा झगड़ा राइट टू प्रॉपर्टी था। इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 31 के साथ साथ एबीसीडी डाल दी। जो ए इन्होंने डाला वो डाला फर्स्ट अमेंडमेंट से, फर्स्ट अमेंडमेंट। बी कब डाला, इन्होंने बी डाला फर्स्ट अमेंडमेंट से, बाद में उसमें और चेंजेस भी करते रहेंगे, और सी डाला इन्होंने 25th अमेंडमेंट से, जो हमने कल डिस्कस किया, सी डाला इन्होंने 25th अमेंडमेंट से। और अमेंडमेंट क्या किया इन्होंने, आर्टिकल 13 को नहीं देखोगे, देखोगे ही नहीं जुडिशियल रिव्यू पर, कोर्ट में नहीं जाओगे, राइट। आर्टिकल 368 को क्वेश्चन देगा, यानी कि अनलिमिटेड पावर, जो उसकी पावर थी। तो हमने कल ये देखा केशवानंद भारती में जब हम गए तो हमने ये देखा, अब हमने ये वाला देखते हैं। ये हम वामन राव देख चुके हैं, आर्टिकल 31 और 31B अंडर क्वेश्चन थे,
अब हम देखते हैं कि मिर्जापुर मोती कुरैशी कैसे आया। इसमें क्या था कि इसमें प्रोहिबिशन जो है, इसमें काउ स्लॉटर क्वेश्चन हुआ। गाय को काटा नहीं जाएगा, राइट। अब एक तरफ है जो मीट बेचते हैं, उनका राइट क्या है? राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, फंडामेंटल राइट उनका क्या है? राइट ऑफ ऑक्यूपेशन। आप जो मर्जी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आपको फ्रीडम है। अब वो कहते हैं कि अगर आप हमारे स्लॉटर पर भी कानून लगा देते हैं तो हम बेचेंगे क्या? उनको बोल दो आज गाय को मुक्त कर दो, तो बोलोगे बकरे को मुक्त कर दो, परसों को बोलोगे कि मुर्गा भी बंद कर दो, हमारा तो धंधा बंद रहेगा। नॉन वेज खाने वाले लोग, नॉन वेज का बिजनेस करने वाले लोग, वो होटल वाले जो नॉन वेज करते हैं, वो सारे लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो क्या ये स्लॉटर वाली चीज जो है वो सही है? ये क्वेश्चन कोर्ट है। तो कोर्ट ने इसको कहा कि हर एक जो आपको फ्रीडम दी गई है उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट कराई थी तो मैंने कहा था आर्टिकल 19 पर भी रिस्ट्रिक्शन है, इसी तरह आर्टिकल 25 पर भी रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 28 पर भी रिस्ट्रिक्शन है। काउ स्लॉटर एक तरफ रिलीजन का मामला है, राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, काउ की हम पूजा करते हैं, अब वो काउ का स्लॉटर करते हैं, उनका राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन नॉन वेज। तो उन दोनों के बीच में ये जो बैन लगा, ये बैन क्वेश्चन हुआ इसका, ये जो बैन था काउ स्लॉटर पर बैन, एक स्टेट लॉ बना जिसमें काउ स्लॉटर बैन, वो क्वेश्चन हुआ। एक तरफ फंडामेंटल राइट देखो, एक दूसरा एक फंडामेंटल राइट, दूसरा हमारे को अपना रिलीजन प्रोफेस करने का पूरा राइट, हमें बिजनेस करने का भी पूरा राइट। तो एक तरफ आ गया हमारा एक प्रोफेशन राइट टू रिलीजन, और दूसरी तरफ आ गया हमारे पास ट्रेड एंड प्रोफेशन। ये वाला क्वेश्चन इसमें उठा और इसमें कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डायरेक्टर प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करने के लिए बने हैं, एक दूसरे को कट करने के लिए नहीं बने हैं। तो हमें दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। और इसमें ये कहा गया कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है वो रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रख के अगर कोई कानून बनता है तो वो उसी में कवर हो जाएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसमें कि पब्लिक सेफ्टी में, राइट। तो उन्होंने कहा कि ये जो बैन है ये प्रोहिबिशन नहीं है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, तो इट इज कवर्ड विद इन द रिस्ट्रिक्शन। इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया, राइट। अब हम देखते हैं, अब हम जाते हैं उन्हीं कृष्ण। आप कहेंगे हम उल्टे क्यों चलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो आने वाला है वो इन सबका बाप, वो जो केस आएगा उसमें हम सारा डिस्कस, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे चलाया है, ठीक है। अब आप ये देखिए उन्हीं कृष्णन में क्या कैपिटेशन फीस की बात की, कैपिटेशन फी क्या होती है? जब एडमिशन लेने जाते हैं तो कुछ कॉलेजेस कैपिटेशन फीस में, फी का एक पार्ट है, खास रूप से हायर एजुकेशन में, कि हमारा कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खर्चा होना है उसकी भी फीस है, जैसे लैब बनाना है, कंप्यूटर लैब बनाना है। तो जब हम है ना, मान लीजिए हमारे पास 20 बच्चों की जगह है, हम उसमें 135 बच्चे ला रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हमारे को कैपिटेशन फीस भी चाहिए, कॉलेज की जरूरत, राइट। तो कैपिटेशन फीस का क्वेश्चन है, कैपिटेशन फीस का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया आर्टिकल 21 में, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में इंटरप्रिटेशन हुई
राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट है और ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। ठीक है, एक केस के थ्रू जब हमने ये कराया था पूरा सीरीज में, तो हमने बताया था कि राइट टू एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। बिना एजुकेशन के कोई पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती, और जब वो डेवलप नहीं हो सकती तो फिर उसे हम लाइफ भी कह सकते हैं और पर्सनल लिबर्टी भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा राइट टू एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ओके, अब प्रॉब्लम आई, हम कैपिटलिज्म फीस क्यों दें? हमारा जब राइट टू एजुकेशन है तो हमसे फीस क्यों मांगे? अब हमारे पास कैपिटलिज्म फीस नहीं है तो कहाँ से मांगे? तो क्या हमारा राइट कर्टेल हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ उठा। इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ढंग से किया कि कैपिटलिज्म फीस राइट टू प्रोफेशन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स में भी कवर होता है, राइट टू यूटिलिटी भी जाता है, राइट, और सोलह में भी जाता है, एम्प्लॉयमेंट में भी जाता है। आप जो करियर बना रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री है आपकी, उसके लिए आपने वहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपको आगे जाकर एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसके बेसिस पर, जैसे एल एल बी है या कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज हैं या जो भी प्रोफेशनल है, सी ए है। तो हमें अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं या हम कोई ग्रेजुएशन का भी ले रहे हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए अगर कैपिटेशन फीस लगा रहे हैं वो हायर एजुकेशन, तो दैट इज नॉट। तो उन्होंने डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट को यहाँ पर भी इंटरप्रेट किया और कहा कि हमें जो हमारा प्रीएम्बल है वो लिबर्टी अलाउ करता है, जस्टिस भी अलाउ करता है। जस्टिस में हमारे को चाहिए इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस ऑल्सो, पॉलिटिकल के अलावा, और हमारे को इक्वलिटी भी चाहिए, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया कि 14 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उसको फ्री एजुकेशन देगा स्टेट, उसके बाद की जो एजुकेशन है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हायर एजुकेशन में कैपिटेशन फीस जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से मिल सकेंगे, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस का भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और तुम्हारे राइट ऑफ। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शुड नॉट बी पेड कैपिटेशन फी, लेकिन जो बाकी फी है वो आपको देनी पड़ेगी, और ये देखा जाएगा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एजुकेशन के ऊपर वो साइलेंट रहे कि हर एक लेवल पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एजुकेशन का। हालांकि इस केस के बाद बाद में राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एजुकेशन पर क्वेश्चन साइलेंट रखा, लेकिन उन्होंने कहा कैपिटेशन फीस उस पर्टिकुलर कॉलेज की नहीं दी जाएगी, लेकिन कैपिटेशन फीस को डिसाइड करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राइट। इनको एजुकेशन भी मिल जाए और आपका ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस की ये फ्रीडम को भी देखिए। तो ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है अगर उसमें कवर हो रहा है तो वो लेंगे, नहीं तो देंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में कैपिटेशन फीस को मना कर दिया गया कोर्ट ने, या कि स्टूडेंट शुड नॉट बी पेड, शुड नॉट बी आस्क्ड टू पे कैपिटेशन फी। ओके, तो यहां हम देखते हैं इस तरह का। अब हम आते हैं केशवानंद भारती, उससे पहले हम एक और केस कर लेंगे फिर केशवानंद भारती। ये 1951 का केस है, मीन्स फर्स्ट ईयर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इंपोज हुआ, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट में आपने देखा 31A और 31B फर्स्ट अमेंडमेंट में डाल दिया, यानी 1951 में ही डाल दिया फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकर दो राय,
इसमें क्या क्वेश्चन उठा और कैसे उठा, किस बात को उठा। यहां पर ये क्वेश्चन उठा कि एक क्लॉज फोर, फर्स्ट अमेंडमेंट का क्लॉज फोर ऑफ आर्टिकल 15, क्लॉज फोर ऑफ आर्टिकल 15 किसका, फर्स्ट अमेंडमेंट का। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट होते हैं इनमें भी क्लॉज जो सेक्शन होते हैं, इनको आर्टिकल से कंफ्यूज मत करें, राइट। तो इस चीज को याद रखो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन उठा और इसमें इन्होंने कहा कि क्या फंडामेंटल राइट बड़ा है, अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें झगड़ा उठे। जैसे मैंने बताया, एक तरफ डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स है कि कंसंट्रेशन नहीं करनी है वेल्थ की, 39(b) and (c), और एक तरफ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, अगर इनमें झगड़ा उठे तो क्या प्रेरित करेंगे, कौन से को हम प्रायोरिटी देंगे, कौन से की बात करेंगे, राइट। तो इसमें यह डिक्लेयर किया गया कि फंडामेंटल राइट शैल हैव प्रायोरिटी। ये 1951 की अप्रोच है कि फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। ये उस वक्त की अप्रोच है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक साल का, ठीक है। पहले आप सिटीजन्स के राइट को इंश्योर करोगे और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, धीरे 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 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, कंट्री बढ़ती गई और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे कि 39(b) and (c) है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटाना है, सोशलिज्म को लाना है, ये क्वेश्चन था। तो हम शंकरी प्रसाद से लेकर पहुंच गए शंकरी प्रसाद गोलकनाथ केशव नाथ। अब हम आ गए यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, कि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है तो यहाँ तो इन्होंने कह दिया फंडामेंटल राइट को ही, राइट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल राइट प्रायोरिटी होगी डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, ये किस केस में डिक्लेयर हो। आपको चार पांच केस आएंगे, बोराई राजन भी आ जाएगा, केशव भारत भी आ जाएगा, शंकरी प्रसाद भी। तो आपने क्या बताना है, बोराई राजन ने फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी गई ओवर डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हमने उस दिन देखा था, आप ये देखिए कि हमने यहाँ देखा था शंकरी प्रसाद जो हमने पिछले लेक्चर में किया, उसके बाद गोलकनाथ, उसके बाद केशवनाथ भारती। ठीक है, शंकरी प्रसाद में कहा गया था कि अमेंडमेंट जो होता है 368 में वो आर्टिकल 13 से कवर नहीं है। आर्टिकल 13 में सिर्फ लॉ देखा जाएगा, यानी आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट जो किया है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आर्टिकल 13 के लेफ्ट में लिखे। तो दैट वाज अ नैरो अप्रोच, राइट। उसके बाद हम चले गोलकनाथ, गोलकनाथ में उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट जो है 368 का वो आर्टिकल 13 के लेंस से भी देखा जाएगा और आप जुडिशियल रिव्यू को बाहर नहीं कर सकते। यहाँ पर आया था हमारा 17th अमेंडमेंट जो क्वेश्चन था, जिसमें मैंने बताया था गोलकनाथ जी की और एक और थे हेनरी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जागीर, जागीर कहते हैं उनको, अक्वायर कर लिया पंजाब टेरिटरी में मुझे, राइट। और इनको रिलीफ मिल गया था कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, और इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के लेंस से देखा जाएगा और जुडिशियल से बाहर। अब हम चले गए केशवनाथ भारती, ये था 1967 और ये था 1951, ठीक। जैसे ही 1967 में ये डिक्लेयर हुआ कि अमेंडमेंट 13 से बाहर नहीं है, खटाखट 21 अमेंडमेंट आया, 24 अमेंडमेंट आया, 25 अमेंडमेंट आया, 3 अमेंडमेंट,
तीनों अमेंडमेंट में जैसा कि 31C जो है वो 25वां अमेंडमेंट है, उसमें ये कह दिया गया कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में चला जाएगा या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की 39 PNC में कवर होता है वो आर्टिकल 13 के लेंस से भी बाहर गया और कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर गया। ये तीन अमेंडमेंट इन्होंने खटा के पास गोरखनाथ के इफेक्ट को कम करने के लिए। अब आगे केशवानंद भारती, केशवानंद भारती ने ये क्वेश्चन उठा आर्टिकल 31 क्या राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद 25th अमेंडमेंट 31C की वैलिडिटी भी क्वेश्चन कि क्या हम 39 B and C यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट देने के लिए फंडामेंटल राइट की मिट्टी भरी कर सकते हैं, उनको अप्रीच कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो केशवानंद भारती ने थ्योरी आई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कि कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट, चाहे वो 9th शेड्यूल का हो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट करने के लिए हो या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को देखने के लिए, उसे कौन से लेंस से गुजरना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। ये देखा जाएगा कि क्या ये लॉ या ये अमेंडमेंट आर्टिकल 13 तो भूल जाओ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच तो नहीं करता। और तब इन्होंने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट है। तो ये केशवानंद भारती, जब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से कौन सा है, तो यहाँ हमने पहले साल में अप्रोच देखी कि फंडामेंटल राइट प्रायोरिटी रखती है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट आए जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट के ऊपर कर दिया, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का 39 B and C अगर होगा तो आप फंडामेंटल राइट को भूल जाओ। लेकिन केशवानंद भारती ने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया, फंडामेंटल राइट भी जरूरी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी जरूरी है स्टेट के लिए ध्यान रखना, लेकिन कोर्ट ये देखेगा कोई भी पावर, चाहे वो अमेंडिंग पावर हो चाहे लेजिस्लेटिव पावर, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर थियरी के टेस्ट से बाहर निकल सकती, एंड एवरी पावर इज जस्टिसिएबल यानी कोर्ट में क्वेश्चन होगा, क्लियर। तो अब हम देखें सारा कि क्या क्या हुआ है। देखिए चंपाकर में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एडिंग ऑफ क्लॉज 4 अंडर आर्टिकल 14 अकाउंट्स एंड द इंक्लूड कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, इसमें कुछ कम्युनल ऑर्डर बहुत पास हुए हैं जिसमें इनको क्वेश्चन किया गया था, वो जो कि पहले से चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले और बाद में भी कंटिन्यू हुए वो क्वेश्चन। तो उसमें बताया गया कि ये फंडामेंटल राइट जो है होल्ड द अपर हैंड ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट ऊपर है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीचे है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से भी कोई कानून बनेगा तो वो फंडामेंटल राइट को अगर ब्रिज कर रहा है तो नहीं। अब हम आते हैं अगले में, केशवानंद भारती की स्टोरी आपने देखा, यहाँ पर आया 13 जजेज बेंच बैठे इसमें और 7:6 से इन्होंने ये डिसाइड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवॉल्व, उसको अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर में आती है कोई चीज, बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है तो वो वॉल्व हो, चाहे वो लॉ हो चाहे अमेंडमेंट, राइट। और इन्होंने 25th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया
उस वाले क्लॉज को, खास रूप से 31C को, जिसमें यह कहा गया कि कोर्ट के पंखों से भी बाहर और 39BNC को अफेक्ट करने के लिए अगर होगा तो वो फंडामेंटल राइट को ऑफ, तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर थियरी में उसको उन्होंने कहा कि 39BNC कुछ भी हो, अगर बेसिक स्ट्रक्चर थियरी को अफेक्ट कर रहा है तो वो कट कर दिया जाएगा। तो 31C को इन्होंने स्ट्रक कर दिया, राइट। और इन्होंने कहा कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ना तो आप लॉ ऐसा बना सकते हो ना अमेंडमेंट कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी का मतलब यह है कि जो भी चीज बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसे ना तो आप लॉ से अमेंड कर सकते, लॉ से काट सकते हो ना उसे। ओके, अब हम जाते हैं आगे। अब यह है केशवानंद भारती केस, यह हमने आपको बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर थियरी। अब हम आते हैं उन्हीं कृष्णन केस। उन्हीं कृष्णन केस में हमने आपको बताया था कि यह कैपिटेशन फी की बात थी। एक तरफ राइट टू आर्टिकल 21 है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, लाइफ के अंदर उन्होंने एजुकेशन को भी डाल दिया था, हमारा फंडामेंटल राइट है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस आर्टिकल 19 एंड 25, तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेड कॉमर्स और ऑक्यूपेशन इसको क्वेश्चन किया कि क्या हम अगर फी नहीं लेंगे तो हम पढ़ा पढ़ाएंगे कैसे, खर्चे कैसे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ये है एडमिटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सीट रिक्वायरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट सीट अगर है, गवर्नमेंट सीट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपिटेशन फीस को डिसाइड कर सकते हैं। इस वाले केस में इन्होंने कह दिया कि ये शुड नॉट बी पेड बाय द स्टूडेंट जो एडमिट हुए हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट सीट। जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे एक रूल बना रखा है 65% जो है वो गवर्नमेंट सीट के अगेंस्ट, जिसमें एक फीस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, लेकिन 35% मैनेजमेंट सीट से जिसकी वो कैपिटेशन फी लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे उन गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट सीट के अगेंस्ट में एडमिट हुए उनसे आप कैपिटेशन फी नहीं ले सकते, लेकिन कैपिटेशन फी का जो क्वेश्चन है वो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर रखेंगे, हम उसमें ये भी देखेंगे कि वो आर्टिकल 13 में आता है कि नहीं, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं, इसको इस पर साइलेंट रहे। ये हमारा है 1993 का, और आज हमारे पास आर्टिकल 21 जो है ए, वो राइट टू एजुकेशन 14 साल तक की उम्र का फ्री है, इसमें आप फीस भी ले सकते हो किसी भी तरह की, ना कैपिटेशन फी ना कोई, लेकिन 14 साल के ऊपर की जो एजुकेशन है उसमें फी का स्ट्रक्चर 19 से कवर होगा उसके रिजनेबिलिटी। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी का सवाल, जो हमने आपको बताया ये है 1986 का केस। 1986 में हमने देखा इट इज रिलेटेड टू काओ स्लोटर, जिसमें रिलीजन और ट्रेड एंड कॉमर्स को क्वेश्चन किया गया, वो फंडामेंटल राइट हमने सामने आए, और उसमें ये कहा गया कि ये जो बैन है काउस का ये प्रोहिबिशन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन है, यानी आपके ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस को प्रोहिबिट नहीं करता। उन्होंने कहा हमारा राइट है, आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते मुझे मीट बेचने के लिए, नॉनवेज बेचने के लिए, नॉनवेज के लिए अगर मुझे मीट चाहिए, तो उन्होंने कहा काऊ को छोड़ के बाकी सारे के सारे जानवर आपके पास अवेलेबल है, तो काओ पर अगर बैन किया गया तो उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर तो ये आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को डिसाइड करने का है। इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ योर बिजनेस, इट इज ओनली अ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि रिलीजन में प्रोफेशनल प्रोफेशन करना उनका फंडामेंटल। तो ये हमने देखा, अब हम देखते हैं आगे जाएंगे। यह हमने आपको बताया था वामन राव में जब हम आए हैं तो ये आर्टिकल 31 है जो कहते हैं स्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते 13 में, और आर्टिकल 13 भी ये कहती है 9th शेड्यूल में जो है उनको आप अफेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह से हमने ये बात देखी कि
ये नाइन्थ शेड्यूल वाला और ये वाला, ये केशवानंद भारती के हिसाब से डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एप्लीकेबल है, हम यहाँ देखेंगे कि अगर कोई भी लॉ, वो चाहे नाइन्थ शेड्यूल का है और चाहे वो 39B and C को अफेक्ट कर रहा है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है तो फिर इसको वॉइड माना जाएगा, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इसको वैलिड। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, यू कैन सी दिस, और इसका कुछ पार्ट 39(1) and (2) A and (B) इन दोनों को लिमिट कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हिसाब से। इन्होंने कहा कि चाहे लॉ हमारा 39(B and C) के अंदर बना हो, चाहे 9th शेड्यूल का हो, ये प्रायर टू केशवानंद भारती केस के डिसीजन में जो कुछ हो गया उसको हम नहीं अभी फर्क करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद के जितने भी होंगे वो तब तक वैलिड माने जाएंगे जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की डोमेन से बाहर हो। यानी केशवानंद भारती के बाद बेसिकली दिस रूल वॉज डेवलप दैट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी टच की जाएगी, चाहे वो आर्टिकल 13 हो चाहे आर्टिकल 39(B) or (C) हो, राइट। अब हम जाते हैं अगले पुस्तक, ये है आर्टिकल 356 इमरजेंसी। क्या कोई स्टेट या सेंटर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दे तो उसका प्रोमोगेशन कोर्ट टू कोर्ट में क्वेश्चन हो सकता है? उन्होंने कहा यस, इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। यानी अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो वो कोर्ट में क्वेश्चन हो सकती है, यस कैन बी क्वेश्चन ठीक है। तो इमरजेंसी को विद इन द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू ले आए, और ये 3 judges केस और इम्पोर्टेंट केस है, और वो क्या कहता है ये 3 judges केस देखिए, ये कहता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, हमेशा ये क्वेश्चन उठा है कि कॉलेजियम, आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेज अपॉइंटमेंट है कॉलेजियम होता है, वो बहुत बार क्वेश्चन हुआ है, कॉलेजियम से रिलेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। एक बार नेशनल जुडिशियल कमीशन बना और ये कहा गया कि इवन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्क्रूटनी से होगा, टेस्ट से होगा, इंटरव्यू से होगा, यानी उनकी मेरिट चेक की जाएगी, ऐसे नहीं है कि एलिवेट हो गए और वो आ गया, अपना एलिवेशन भी होगा तो भी आपको टेस्ट पास करना और उसको स्पष्ट करना। ये कहते हुए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, आप जजेज के अपॉइंटमेंट को गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे तो फिर जजेज गवर्नमेंट से रिलेटेड केसेस कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये क्वेश्चन इसमें उठा हुआ है, अभी भी पेंडिंग है ये, और ये इशू हमेशा बीच बीच में उठता रहता है। तो गवर्नमेंट्स गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत बार क्वेश्चन हुए हैं, और 3 cases, 3 judges cases आए हुए हैं, कस्तूरबा केस है, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन केस है, बहुत सारे अभी पेंडिंग हुए हैं और जुडिशियल से रिलेटेड है, कभी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज से, कभी उनका सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन से, कि अगर आप हमारी सैलरी और सर्विस कंडीशन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हम गवर्नमेंट के केस कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत बार उठा है। और आप ये जो है इसमें यही कहा गया कि ये कंटिन्यू है, आप देखिए, तो इस पर अभी हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि दीज केसेज आर स्टिल अंडर द लेंस ऑफ, पर इसमें कॉलेजियम क्वेश्चन को जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, और वो किस हद तक
कौन कौन सी चीज जुडिशियल इंडिपेंडेंस में आती है, कौन सी चीज नहीं आती है, डिसाइडेड टाइप। ओके, तो हमने इसके साथ अपने इस 75वें स्वतंत्रता दिवस में, अमृतकाल में, अपने 10 लेक्चर्स के बीच में, 10 लेक्चर्स की सीरीज में 75 जजमेंट्स, लीडिंग जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट दी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को एक नई दिशा दी, एक नए मीन्स दिए, उसको हमने डिस्कस किया, जो कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे IAS के जुडिशियल IAS एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी जरूरी है। किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन में वो बच्चे जा रहे हैं जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिस्कस होना है, चाहे वो लॉ के फील्ड में आना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, या वो एमबीए में पढ़ रहे हैं, हर एक के लिए ये 75 जजमेंट्स, लीडिंग जजमेंट है, बहुत ही जरूरी थी। हमने अपनी तरफ से जो हमारी नॉलेज थी, जो भी हमारा एक्सपीरियंस था, और जो हमारी इंसाइट थी इन जजमेंट्स पर, बीइंग ए PhD ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ए जज ऑफ 30 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैंने आप लोगों को शेयर किया, और मेरी कोशिश ये है कि इससे सबको फायदा मिले और हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सही इंटरप्रिटेशन और सही उसकी डेवलपमेंट को जानने में हमें मदद मिले, और हम उसमें अच्छी तरह से हर जगह जहाँ भी अच्छा होता है हम सक्सेस पाए। दिस आई थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर पेशेंस हियरिंग, क्योंकि ये सारे के सारे जजमेंट्स और इनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन था लाइफ का, जिसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें एक साथ जानना पड़ता है। तो इसके लिए आपकी पेशेंस और आपकी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि इन लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों को, और जिन्होंने किसको सुना है उसको फायदा पहुंचा। ये फ्री लेक्चर्स थे, लाइव थे, और ये हर एक के लिए फ्री नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।